नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं बता रही हूँ आप लोग को, मैं जब बना रही थी ना खाना, तो जो आप लोगों ने ढोल वगैरह का आवाज़ सुना था, तो यहाँ का जो रीति रिवाज है ना, तो देखिए सब जगह का अपना अपना रिवाज होता है। हमारे यहाँ का कुछ अलग रिवाज है, यहाँ का कुछ अलग ये रिवाज बच्चे है, तो सब जगह का कहीं अलग अलग, सब जगह का अपना अपना रिवाज होता है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ का रिवाज मतलब बहुत अजीब ही है। हम अब हमने नहीं देखा है तो हमारे लिए तो अजीब ही है, तो यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल बात है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत अजीब है। हम लोगों ने कभी ये चीज़ देखा ही नहीं है। हाँ, हमने देखा है, मुस्लिम धर्म में देखा है, लेकिन अपने धर्म में नहीं देखा है ये चीज़। क्वेश्चन में भी है। हाँ, क्रिश्चियन में भी है, तो हमने अपने धर्म में नहीं देखा है। तो यहाँ पे ना, अगर जैसे कोई मर जाता है ना, तो जलाते नहीं है। हिंदू धर्म की बात बता रही हूँ मैं, तो जलाते नहीं है। तो बहुत, जैसे शादी ब्याह में अपने बाजा वाजा बजता है ना, वैसा बाजा बजता है, बहुत बैंड बाजा, कम से कम सुबह से ही बैंड बाजा बज रहा था। तो फिर भी जैसे बाजे का आवाज़ सुनूंगी ना, मेरा तो जान ऊपर नीचे होने लगता है कि अब क्या करूँ मैं, मेरा तो सांस यहाँ तक आ जाता है कि अब क्या करूँ मैं। लेकिन ना फिर मैं सोचती हूँ, नहीं है, बगल में मंदिर है ना, मंदिर में बज रहा होगा, ऐसे थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि इसी में बजेगा। तो नहीं दोस्तों, यहाँ मंदिर वगैरह में ना शहनाई बजती है, तो कुछ फंक्शन वगैरह, पूजा शादी वगैरह रहता है तो शहनाई बजा बजती है, और कोई मरता है तो बैंड बाजा बजता है, बहुत धूम धड़ाके से। तो मैंने पूछा किसी से कि ये यहाँ पे बैंड बाजा के, हम लोगों में बजता है तो जो बूढ़े लोग रहते हैं, 100 साल के हो जाते हैं, जो एकदम मतलब पूरी दुनिया सब कुछ देख लिए रहते हैं, नाती पोता सबसे भरे रहते हैं, 100 150 साल के हो जाते हैं, तब हम लोग के यहाँ बैंड बाजा वगैरह बजता है, नहीं तो हमारे यहाँ बैंड बाजा नहीं। यहाँ तो बैंड बाजा बजता ही है, जहाँ बाजा बजा समझो कोई गया। तो मैं खाना बना रही थी, इतना बैंड बाजा बज रहा था, सुबह से ही बज रहा था, तो मैंने सोचा मंदिर में बज रहा होगा। तो मैं फिर आके खाना बनाने लगी, तो फिर देख रही हूँ तो नहीं। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ये वीडियो में क्यों बना रही हूँ। तो यहाँ पे जिसकी जमीन रहती है ना, तो जो अपने ही जमीन में गाड़ते हैं वो लोग, कहीं शमशान घाट या और कहीं नहीं ले जाते हैं। तो जिसका जहाँ खेत है वहीं पे खेत में ही गाड़ेंगे। ये जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, सामने जो खेत है ना, वो सब में अभी जिस 1 साल पहले एक आदमी का डेथ कोरोना हुआ से था कोरोना में ना, हाँ, एक आदमी का कोरोना में हुआ था, फिर एक आदमी का 1 साल बाद उस महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। तो यहीं पे ही खेत में ही, सामने वाला जो खेत है ना, जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जो दिखाती हूँ, ये फूल वगैरह सब कुछ है, तो उसी में ही खन के गाड़ दिए है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मेरे तो हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए थे, मतलब हाथ पैर से पूरा ऐसा लग रहा था मैं क्या करूं। किचन में मैं खाना नहीं बनाने जाती, क्योंकि मेरे किचन से सामने ही विंडो, उस मेरे किचन की खिड़की से ना सामने ही वो दिखता है पूरा। अब मैं क्या, मुझे मतलब बहुत डर लगता था, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था ये सब चीज़, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ के लोगों से मैंने जब पूछा कि ऐसा ऐसा, मुझे तो बहुत डर लगता है। और ये जब मेरा, और हम 9th फ्लोर पे है ना, तो जैसे अभी कोई भी दरवाजा है या स्लाइडिंग है तो धाक धाक बोलता है। अब मेरा और मेरे जो मास्टर बेडरूम है ना, उसका जो मेरे मास्टर बेडरूम है ना, मेरा उसमें बाथरूम है ना, उधर का खिड़की ओपन है, तो बहुत हवा आता है, तो धक धक वो बोलता है दरवाजा। तो मेरी देवरानी आई थी तो बोली थी, दीदी देखना आप डरना मत, क्योंकि ये जो है ना, ये हवा से दरवाजा बोल रहा है। तो फिर मैं, वो तो पता है ना, हवा से बोलता है, लेकिन जरा सा भी कांच खुला रहेगा ना, तो ऐसा स्विंग करके आवाज आता है ना, एकदम बहुत डर लगता है। तो मेरा ना कलेजा बहुत, वो मैं बहुत डरती हूँ दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो क्या, और घर में ना कोई था भी नहीं, बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड ऑफिस गए थे, और बुबू मेरा यहाँ बेडरूम में सोया हुआ था, उसको बुला रही हूँ, बुबू आ बुबू आ, बुबू तो सुनता ही नहीं है मेरा, और इतना डर लग रहा था मुझे। फिर मैंने सब कुछ खोला भी नहीं, और थोड़ा सा मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाया है मैंने, थोड़ा बैंड बाजा वगैरह है। और यहाँ पे सब लेडीज जाती हैं, लेडीज जेंट्स दोनों जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बनाया है मैंने, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों मैं अपने मोबाइल में वो वीडियो रखूँ। मैं वो मालती चौहान का जितना वीडियो मैंने डाला था ना, मतलब शॉर्ट वीडियो थोड़ा डाला था मैंने, क्योंकि उस समय का हालात ऐसा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं रोज़ उनका वीडियो देखती थी, तो बहुत मतलब एक होता है दुख होता है, तो बहुत दुख हो रहा था, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था।
और फिर बाद में जब मैं कोई भी वीडियो देखती थी ना तो मुझे चेहरा आता था तो मुझे डर लगता था। ऐसा नहीं है, जो धरती पे आया है वो किसी ना किसी बहाने तो भगवान उसकी मृत्यु लिख के भेजते हैं, जो आया है तो वो तो जाएगा ही, तो कब किस वो उतने दिन के लिए इस दुनिया में आई ही थी और भगवान ने उतने दिन के बाद ले लिया, खाली अपने ऊपर कलंक नहीं लेते भगवान की ये मेरे वजह से हुआ है। तो जिसको जो जितना दिन के लिए आता है ना वो उतना ही दिन रहता है, तो ये संसार का नियम है, जो आया है वो तो जाएगा ही, वैसी बात नहीं है। लेकिन एक डर लगता है क्योंकि देखिए पांचों उंगली बराबर नहीं होती, सब एक जैसे नहीं होते। मेरे बच्चे नहीं डरते हैं, मेरे हस्बैंड तो पूछो हिम्मत बिल्कुल ही नहीं डरते हैं किसी से भी, तो और बच्चे भी मेरे नहीं डरते, बोलते क्या डरती रहती है ये सब चीज़ के लिए, तो और लेकिन मुझे बहुत डर लगता है दोस्तों। और यही सामने गाड़ दिए थे तो मैं जब देखी ना, सुबह हुआ हमारी गाड़ी थी i10, मैं हस्बैंड का जान खाने लगी, मैं बोली चलो घर, मुझे नहीं रहना है, मुझे चलो घर, गांव चलो। मैं इतना रोई, बाद में हस्बैंड तंग आके दूसरे ही दिन हम लोग शाम को ही निकल गए, 5 बजे हम लोग 5 बजे यहाँ से गांव निकले थे, और ना कोई सोया था ना कोई आराम किया था, जैसे जिस हालत में थे मैं उसी हालत में गाँव भाग गए। और फिर जब मैं आई, फिर मैं आई 1 महीने के बाद, मैं नहीं आ रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने वहाँ पंडित जी से पूछा, यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने सबसे पूछा ये चीज़ यहाँ वालों से कि मुझे बहुत डर लगता है ऐसा, तो बोले नहीं ये डरने वाला बात नहीं है, हम लोगों में ना बहुत शुभ माना जाता है, तो मतलब जो हमारे पूर्वज है वो हमारे ही जमीन में रहे, वो हमसे कहीं भी दूर ना जाएं, इसलिए हम लोग इनको अपने ही जमीन में दफना देते हैं ताकि वो हमसे दूर कहीं भी ना जाएं, और ये हमारी रक्षा ही करते हैं, और मतलब हमें डर वगैरह ये सब नहीं लगता। और कहीं का जैसे कोई बुरी आत्मा है या कुछ भूत प्रेत या बाहर का कहीं कोई का है तो वो सब हमको अगल बगल में अपने कोई नहीं आएगा और हमको कोई परेशान नहीं करेगा, ये लोग हमारी रक्षा करेंगे। और आपके सामने है, देखना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी खुशखबरी मिलेगी, और आप बिल्कुल भी टेंशन, मतलब आप डरो मत, बहुत अच्छा होगा, और देखना कुछ ना कुछ आपको शुभ संकेत ज़रूर मिलेगा। और सच में दोस्तों ऐसा ही हुआ, मुझे 5-6 दिन के बाद ही अच्छा खुशखबरी मिला था, 5-6 दिन के, जब मैं गाँव से यहाँ आई ना तो आने के 5-6 दिन बाद मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी मिली थी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो खुशखबरी मिली थी, तो अच्छा खासा मतलब खुशखबरी था वो, मैं बताऊंगी कभी आप लोग को वीडियो में। तो मैं बहुत, तब मुझे लगा कि हो सकता है सच, और तब से फिर मुझे डर नहीं लगा। तो उधर उन लोग की जमीन है, वहीं पे ले जा रहे हैं उसको गाड़ने के लिए। तो यहाँ पे जिसकी जमीन रहती है ना तो वही जमीन में मतलब दफन करते हैं, यहाँ के लोग जलाते नहीं हैं, पता नहीं हिंदू समाज के लोग हैं तो वो भी नहीं जलाते हैं। तो यहाँ उनकी जमीन लगता है वहाँ पे है, वो जो खेत दिख रहा है वहाँ पे है शायद, तो वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ पे दफन करेंगे शायद, मुझे नहीं पता, यही बोलते हैं ना, हम लोग को तो इतना पता नहीं है ये सब चीज़, हम लोगों के धर्म में तो जलाया जाता है, तो यहाँ पे शायद गाड़ेंगे उनको, हम लोग यही बोलते हैं, बहुत लोग दफन बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग तो गाड़ना ही बोलते हैं कि ज़मीन में गाड़ देते हैं घन के। तो ये देखिए यहाँ औरतें आदमी सब लोग जाते हैं, तो यहाँ बहुत ही खुशी से बैंड बाजा वगैरह बहुत बजाया जाता है, मैंने जो किया था तो बैंड बाजे के साथ भेजते हैं यहाँ पे, विदाई करते हैं क्योंकि, और ये मैं और नहीं दिखा सकती। तो सच में दोस्तों अच्छा, और ये तो अपने यहाँ पे भी मानते हैं कि अगर कहीं हम लोग जा रहे हैं रास्ते में अगर मुर्दा मिल गया तो बहुत शुभ माना जाता है, जो भी मन्नत आप मानो ना तो वो जाते जाते भगवान के पास जाके बोलते हैं कि ये मन्नत इस इंसान ने मानी है उसकी पूरी करो। तो जो भी, क्योंकि मैंने आजमाया है, मैंने एक बार नहीं 2-4 बार आजमाया है ये चीज़, आपने भी आजमाया है कि नहीं, आपने नहीं आजमाया, मैंने आजमाया, मैं इनको भी बोलती हूँ कि जब देखो ऐसा रास्ते में तो काम के लिए जाता हूँ तो काम रुकता नहीं, हाँ काम रुकता नहीं है, हो जाता है, जो नहीं होने वाला रहता है वो भी हो जाता है जब, और मैं बोलती भी हूँ इनको अगर आप देखो तो रुक के थोड़ा हाथ जोड़ के और भगवान का नाम लेके बोल दो कि ये मेरी मन्नत है, आप जा रहे हो भगवान के पास, मेरी बोल देना ये मेरी इच्छा पूरी कर दे, तो जरूर 100% होता है, मैंने बहुत बार आजमाया और मेरा बहुत कुछ हुआ है, तो मैं बोल रही हूँ मुझे और सबका नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं मेरे साथ जो हुआ है मैं वो अपनी बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं है किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ दोस्तों, मैं और किसी की बात नहीं बता रही हूँ। तो तब से फिर 1 साल जैसे उनके यहाँ बीता ना महाशिवरात्रि के दिन, फिर हो गया उनके यहाँ कोई, मतलब बुजुर्ग ही गए थे, जवान नहीं थे, बुजुर्ग ही थे,
तो सामने जो घर देखते हैं ना वो, तो और ये मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, शालू लगता है फिर कोई गया गड्ढा कर रहे हैं। मैं बोली हट जाओ, सुबह सुबह ये वो जो मरे हैं ना उनका तिथि होगा आज, वो लोग तिथि मनाते हैं बहुत जोर शोर से, तो तिथि होगा, अब जाओ, ये सब नहीं कुछ नहीं होता है, टेंट वेंट लगा था तो यहाँ टेंट लगाएंगे, बैंड बाजा वगैरह बजता है तो बहुत कुछ होता है, तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं है जाओ यहाँ से, तो ऐसा कुछ है। और सच में बाद में जब और चार पांच जब रिश्तेदार आ जाएंगे तभी ना उठाएंगे, तब तक ऐसे बैंड बाजा बजता ही रहता है, तब बाद में मैं बोली तिथि मना रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बाद में ये बोले नहीं, और फिर जब लेके आए गाड़ने के लिए ना तब मैं बोली ये भगवान सही में सच बात है। तब से यहाँ फिर एक सामने और है, वहाँ पे भी जहाँ बच्चे लोग खेलते हैं उधर भी एक गाड़े थे, तो ठीक है वो लोग रक्षा करते हैं, अब डर नहीं लगता है हम लोग को क्योंकि अब देख ली हूँ, अब आदत पड़ गया, लेकिन अभी तो रात में भी 12 1 बजे कभी भी दरवाज़ा खोल देती हूँ, नहीं तो मैं 6 बजे भी 5 बजे से मेरा 5 बजे क्या दिन में भी कभी दरवाज़ा नहीं खुलता था ना कांच खुलता था, मैं बालकनी में जाना ही छोड़ दी थी क्योंकि तब मैंने देखा नहीं था, तो अभी देख ले अभी डर नहीं लगता। और सच में दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि डर नाम की चीज़ है। तो ये वाला जो आज हुआ था ना, ये यहाँ नहीं वो पीछे वहाँ पे ले गए थे वो खेत में जहाँ लाइटिंग रखती है ना रात में, जो लाइट खेत में लाइट लगा है वो खेत में ले गए थे, तो उनकी ज़मीन वहाँ पे होगी तो वहाँ ले गए थे, यहाँ पे नहीं था उनका ज़मीन, तो यहाँ का यही रीति रिवाज है, तो अपने अपने देश का रिवाज होता है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात लगती है मुझे कि हिंदू धर्म में और जलाते नहीं है दफना देते हैं, तो यहाँ यही रिवाज ही है, बोलते नहीं जलाते नहीं है और हमारे यहाँ दफनाते हैं, क्योंकि ये हमारे हमें छोड़ के हमसे कभी अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो हमसे दूर ना जाएं, ये हमारे पास ही रहेंगे। और साल रोज़ वो लोग दिया जलाते हैं और तिथि वगैरह करते हैं, एक साल में अच्छा खासा धूमधाम से पूरा लाइटिंग वगैरह करके तिथि करते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा दिखा दूँगी एक क्लिप दोस्तों मैंने, और जो मालती चौहान का मैं बोल रही थी ना वीडियो, जितना भी मैंने अपलोड किया था सब मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि जब मैं देखती थी रात में ना अगर मेरे सामने वो वीडियो आया तो मुझे डर लगने लगता था, तो मैंने डिलीट कर दिया, मुझे मतलब उतना कलेजा नहीं है, एक तो मेरा बुब्बू इतना परेशान कर देता है ना, जो चीज़ देखो वही काटता पीटता रहेगा, बुब्बो नहीं आया, मैं इतना इसको बुला रही थी आ जा बुब्बू आ जा लल्ला, नहीं आया नहीं आया मेरे पास, ये तो और नहीं सुनता है मेरा, अपनी जान बचा रहा था डर के, नहीं उसको डर नहीं लगता है, वो आया ही नहीं, निकला जब से ये लोग नहीं रहते हैं ना तो बेडरूम से निकलता ही नहीं है, और घर के अंदर बेडरूम में बैठा था ना, चाय बोझ ना दूध पिया था ना खाना खाया था, कुछ भी नहीं, ऐसे बैठा था कुछ भी नहीं खाया था, अभी अभी खाना खाया है, अभी बज रहे शाम के 7:30 बज रहे अभी खाना खाया, ये इतना शैतान है ये, उसको घर में सब लोग चाहिए, अगर घर में एक लोग भी नहीं रहेंगे तो वो ऐसे उदास करके बैठा रहता है, घर में सब लोग रहेंगे तो खूब खेलेगा खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, कोई नहीं रहेगा तो नहीं खाता है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये ब्लॉग, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय दोस्तों।